एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज का हमारा सवाल है परमिटेशंस 2। परमिटेशन 2 से पहले हम परमिटेशन 1 कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए पहले परमिटेशन 1 देखिए और उसे सॉल्व कीजिए और बाकी फिर यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, परमिटेशन 1 में पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम वो देख लेते हैं। हमारे पास में वहाँ पे जैसे चार बॉक्सेस थे और आइटम्स हुए हमारे पास में 1, 2, ये दो आइटम्स थे। हमें इन आइटम्स को इन बॉक्सेस में फिल करना था और हमें देखना था कि हम इन आइटम्स को यहाँ पे किस पोजीशंस पे रख के फिल कर सकते हैं, और वो प्रोबेबिलिटीज निकालनी थी कि कितने आइटम्स हम हर एक आइटम की अगर पोजीशंस चेंज करते रहें तो फिर हम उसको कितने तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जैसे 1 को अगर हमने यहाँ पुट किया तो 2 के पास में ये 3 बॉक्सेस बचते। 2 को अगर हमने यहाँ पुट कर दिया, सपोज हमारे पास में और कोई आइटम होता लाइक 3, तो 3 को हम यहाँ पुट करते, और फिर ऐसे ही अगर हमारे पास में 4 भी होता तो फिर बचता हमारे पास में आखिरी बॉक्स। सेम कंडीशन अगर 1 बोलता कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, अगर 1 यहाँ पर पुट होता तो हम इनमें से कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4 ऐसे पुट करते। तो हमें बस वही प्रोबेबिलिटीज वहाँ पे निकालनी थी। यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे भी हमको आइटम्स को बॉक्सेस में पुट करना है, लेकिन यहाँ पे ना बॉक्सेस की मर्ज़ी चलेगी। वहाँ पे मर्ज़ी चल रही थी आइटम्स की, यहाँ पे बॉक्स की मर्ज़ी चलेगी कि वो आइटम को लेना चाहता है या नहीं। हमारे पास में मान लो ये 3 बॉक्स है और आइटम वही हम 1 और 2 रख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ 0th बॉक्स की। 0th बॉक्स कौन सा है, जो 0th पोजीशन पे है। ये मेरा 0th बॉक्स है, ये मेरा 1th है और ये 2th बॉक्स है। अब मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ 0th बॉक्स की। तो 0th बॉक्स के पास में ना 3 कंडीशन है। पहले 3 कंडीशन नहीं थी, पहले हम 0th बॉक्स में डायरेक्टली 1 को रख रहे थे क्योंकि वो 1 की चॉइस थी कि वो 0 में आएगा, 1 में आएगा या 2 में आएगा। लेकिन यहाँ पे 0th बॉक्स की कंडीशन मर्जी चलेगी, वो बोल दे कि नहीं मैं कोई कुछ नहीं रख रहा, मुझे खाली रहना है। वो बोल दे कि ठीक है मैं 1 को अपने पास रख लूँगा, और वो बोल दे कि नहीं मैं तो 2 को अपने पास में रखूँगा। हाँ, तो अगर बॉक्स चाहे कि मैं 1 को नहीं, मैं खाली भी नहीं रहना चाहता, मैं 1 को भी नहीं रखना चाहता, मैं 2 को रखूँगा, तो ये वाली कॉल लगेगी। अब ये यहाँ पे एक बात का ध्यान रहे, हम सिर्फ इस वाले बॉक्स की ही बात कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे आंसर में क्या ऐड हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं आता है तो तीनों ब्लॉक्स खाली रहेंगे, अगर 1 आता है तो 1 ब्लैंक ब्लैंक हो जाएगा, अगर 2 आता है तो 2 ब्लैंक ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से तीन कॉल लगेगी। अब बात करेंगे हम फर्स्ट वाले ब्लॉक की। पहले हम बात कर रहे थे आइटम्स की, अब हम बात कर रहे हैं ब्लॉक्स की। पहले मर्जी चल रही थी आइटम्स की, अब मर्जी चल रही है ब्लॉक्स की। यहाँ पे फिर हमारे पास में 3 ऑप्शन रहेंगे कि कोई सा भी एलिमेंट नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा, सिर्फ 2 आएगा। अगर कोई सा भी नहीं आता है तो ब्लैंक ब्लैंक रहेगा, अगर सिर्फ 1 आता है तो ब्लैंक 1 ब्लैंक रहेगा। ब्लैंक 1 ब्लैंक क्यों रहेगा, ये देखिए ना, फर्स्ट ब्लॉक की बात कर रहा है, यानी कि इस वाले ब्लॉक की। इस वाले ब्लॉक की बात हो चुकी, इस वाले ब्लॉक में 1 आना था, वो आ गया। अब इस वाले ब्लॉक में भी तो 1 आएगा, इस वाले ब्लॉक के में भी तो भरूंगी। तो अब ये वाला ब्लॉक बोले कि नहीं मैं खाली रहूंगा, तो ये लो भाई खाली रह ले। फिर ये वाला ब्लॉक बोले नहीं मैं 1 को रखूंगा, तो ये ले भाई 1 को रख ले। सेम चीज 2 के लिए, तो ये ले भाई 2 को रख ले, 2 ब्लैंक, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अपना फैसला ले चुका है, तो यहाँ पे इसके पास में 2 ही ऑप्शन बचे इस वाले ब्लॉक के पास, क्योंकि इस वाले ब्लॉक के यहाँ पे या तो कुछ भी नहीं आएगा या फिर सिर्फ 2 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 1 ब्लैंक ब्लैंक, क्योंकि कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 ब्लैंक, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे, यहाँ पे भी इसके पास में 2 ऑप्शन है, या तो कुछ भी नहीं आएगा या फिर 1 आएगा। तो आंसर अगर कुछ भी नहीं आता है तो 2 ब्लैंक ब्लैंक, और अगर कुछ आता है तो 2, 1 ब्लैंक। 2 ब्लैंक नहीं, यहाँ पे 1 ही ब्लैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से क्या है, मैं इधर शिफ्ट कर लेती हूँ इसको। यहाँ पे फिर से हमारे पास में 3 ऑप्शन है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे
सेकेंड वाले, इस वाले ब्लॉक की। इसके पास में फिर से तीन ऑप्शन है यहाँ पे, कुछ भी नहीं आएगा, वन आएगा, टू आएगा, कुछ भी नहीं आया तो ठीक है भाई ब्लैंक रह ले। वन आएगा तो ब्लैंक ब्लैंक वन, टू आएगा तो ब्लैंक ब्लैंक टू, ठीक है। अब इस केस में देखा जाए तो इस केस में इसके पास में दो ऑप्शन है फिर से, या तो कुछ नहीं आएगा या फिर टू आएगा, क्योंकि वन ऑलरेडी आ चुका है तो या तो कुछ भी नहीं आएगा या टू आएगा। अगर कुछ भी नहीं आएगा तो ब्लैंक वन ब्लैंक यही आंसर रहेगा, और अगर टू आएगा तो ब्लैंक वन टू ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके लिए देखा जाए तो इसके लिए फिर दो ऑप्शन है, या तो कुछ भी नहीं आएगा या फिर वन आएगा। अगर कुछ भी नहीं आएगा तो हमारे पास में यहाँ पर आंसर क्या था, ब्लैंक टू ब्लैंक, तो ब्लैंक टू ब्लैंक ही रह जाएगा। और अगर वन आता है तो ब्लैंक टू वन ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में देखा जाए तो इस केस में फिर हमारे पास में दो ऑप्शन है। इस केस में हमारे पास में दो ऑप्शन कौन से हैं, या तो ब्लैंक रहेगा या टू आएगा। ब्लैंक रहेगा तो वन ब्लैंक ब्लैंक यही रह जाएगा आंसर, टू आएगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वन टू ब्लैंक। सॉरी ये वन टू ब्लैंक नहीं होगा, यहाँ पे होगा वन ब्लैंक टू, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकेंड वाले ब्लॉक की। तो जो भी एलिमेंट्स, अगर कोई एलिमेंट ऐड होगा तो वो लास्ट में ऐड होगा, जैसे अपन ने यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है। सेम अब इसके लिए कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों आइटम्स हो चुके हैं, दोनों आइटम ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, वन भी आ गया टू भी आ गया, तो ये एज इट इज आ जाएगा वन टू ब्लैंक। यहाँ पे हमारे पास में बचता है वन, तो या तो कुछ भी नहीं आएगा या फिर वन आएगा। अगर कुछ भी नहीं आता है तो टू ब्लैंक ब्लैंक, अगर वन आता है तो टू ब्लैंक वन। सेम इसके लिए, यहाँ पे भी टू वन दोनों आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी दो कॉल्स नहीं लगेगी, यहाँ पे भी एक ही रहेगा, क्या रहेगा, ब्लैंक, यानी कि टू वन ब्लैंक, ठीक है। अब सारे हमारे आंसर नहीं है, हमारे आंसर इसमें से सिर्फ वो है जिसमें दो एलिमेंट्स पूरे आ रहे हैं, दोनों एलिमेंट्स कौन से, वन और टू। तो हम हाईलाइट कर लेते हैं हमारे आंसर्स को। सबसे पहले तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। दूसरा ये भी हमारा आंसर है, तीसरा ये हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा एक आंसर है। चल जो डेरा ब्लैंक टू वन हमारा यहाँ पे भी एक आंसर है, आई एम सॉरी, ठीक है। तो हो गए हमारे आंसर, एक दो तीन चार पाँच छह आंसर्स हो गए हैं, और आई होप आई गेस इतने ही आंसर आने चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पहले हम चेक कर रहे थे, हम फिर से एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं। पहले हम चेक कर रहे थे किस में, परम्यूटेशन वन में, कि हमारे पास में जो ब्लॉक्स हैं उसमें से फर्स्ट आइटम या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अब हम चेक कर रहे हैं ब्लॉक की मर्जी, ब्लॉक चाहे तो खाली रहेगा, ब्लॉक चाहे तो वन को रखेगा, ब्लॉक चाहे तो टू को रखेगा, उसकी मर्जी चलेगी, अब वन और टू की नहीं चलेगी, ठीक है। तो एक बार हम कोड करके देख लेते हैं, शायद आपको कोड के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने सबसे पहला लूप चलेगा हमारा बॉक्सेस पे, जैसा हम वहाँ पे कर रहे थे वही होगा। सबसे पहले हम अपने बॉक्सेस पे लूप चलाएंगे, जीरो से आई इज लेस देन हमारे टोटल सिलेक्शंस एंड आई प्लस प्लस। इसके बाद में हम चेक करेंगे कि क्या वो जो आइटम्स हैं, क्या हमारे आई पे जो आइटम्स हैं वो जीरो के इक्वल हैं।
क्या वहाँ पे कोई एटम रखा हुआ तो नहीं है? जिस ब्लॉक पे हम चेक कर रहे हैं, जिस बॉक्स के लिए हम चेक कर रहे हैं, अगर वहाँ पे ऑलरेडी कोई आइटम प्रेजेंट हो तो हम दूसरा आइटम थोड़ी ना पुट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो जो बॉक्स है वो खाली है। अगर वो बॉक्स खाली है तो सबसे पहले तो उस बॉक्स को कर दो मार्क। मार्क क्यों? ताकि उस बॉक्स पे कोई और ना बैठ पाए, वहाँ पे एक एलिमेंट बैठ रहा है ऑलरेडी। फिर हम लगा देंगे कॉल परमिटेशंस को और इनको बोल देंगे कि भैया इस ब्लॉक को हमने भर दिया है, अब तुम आगे वाले ब्लॉक के पास जाओ अगले एलिमेंट के लिए। टीबी आइटम्स एसएसएफ प्लस वन, हमने उस ब्लॉक को भर दिया है। एसएसएफ हम क्या ले रहे हैं? एसएसएफ हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम चेक कर पाए कि हमें, अगर जैसे दो एलिमेंट्स हैं, अगर दोनों एलिमेंट्स हो चुके हैं तो ही हमें उस आंसर को प्रिंट करना होगा ना। तो ये हम आगे देखेंगे कि ये कहाँ पे काम आएगा। टोटल सेट्स और आंसर सो फार में ऐड हो जाएगा क्या? आई प्लस वन, आई एम सॉरी, आई प्लस वन यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इसके आगे हम लगा देंगे क्या? टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमें वापस से उस जगह को खाली कर देना है। अब उस जगह पे हो सकता है कोई और आके बैठ जाए, तो उस जगह को हमने वापस से खाली कर दिया। सॉरी, खाली नहीं किया, हाँ अब कर दिया हमने खाली, वापस से उस जगह को हमने ज़ीरो कर दिया। उस जगह पे अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये कॉल तो हो गई हमारी तब जब हम उसके अंदर कोई नया एलिमेंट भर रहे हैं। हमारे पास में एक कंडीशन और थी कि कोई भी एलिमेंट आना नहीं चाहता, तो हम सिर्फ सीबी को बढ़ा देंगे और एसएसएफ में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। आंसर सो फार में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ऐड हो जाएगा। तो टू स्ट्रिंग तो ऐसे ही रहेगा बस, यहाँ पे हम ज़ीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। अब बारी आती है हमारे बेस केस की। बेस केस में अगर हमारा सी बी बड़ा हो जाता है हमारे टी बी से, तो हमें चेक करना है एसएसएफ, क्योंकि यहाँ देखो, मैं एक बार आपको यहाँ दिखा देती हूँ। हमने ड्राई रन किया था, ड्राई रन में हमने यहाँ पे आंसर्स कौन से किए थे? ये जो ग्रीन ग्रीन वाले पार्ट हैं, आंसर तो सिर्फ ये ही है ना, आंसर तो सिर्फ ये 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 और ये ही है। तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि हमारे जो आंसर है उसके अंदर दोनों एलिमेंट्स आए हैं या नहीं। अगर, क्योंकि आंसर तो हमारे पास ये भी निकल रहा है, लेकिन इसमें एक एक एलिमेंट ही तो है, हमें एक एक एलिमेंट चाहिए ही नहीं, हमें दो दो एलिमेंट चाहिए। हमने दो, हमने बोला था बॉक्स को कि दो आइटम भर के दो, बॉक्स ने अपनी मर्जी चलाई, उसने एक ही आइटम लिया, तो हम दो वाले आंसर में रिटर्न ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ एस एस एफ इज इक्वल्स टू टी एस, तभी हम प्रिंट करेंगे हमारा आंसर सो फार, देन एंड एल, और यहाँ पर आके हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो रन करके देखते हैं क्या ये चल रहा है। एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने यहाँ पे क्या किया, और फर्स्ट परमिटेशन और सेकंड परमिटेशन में जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले सवाल में, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई रन करके खुद से चेक कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। पिछला क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चन खुद से ज़रूर ट्राई कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर किसी नए सवाल में।